रुक करते हैं प्रदेश की ओर। इस वर्ष के आखिरी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहले साइंस पार्क डाइट जुखाला में विशेष प्रबंध किए गए थे, जहां पर डाइट जुखाला के स्टाफ, प्रशिक्षुओं, जुखाला कॉलेज के स्टाफ, छात्रों व क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सूर्य को लगे ग्रहण को आधुनिक यंत्रों की सहायता से देखा। जुखाला डाइट ने सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए 24 दिसंबर को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था, जिसमें यही समझाया गया कि आप किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इसे देख सकते हैं, जिससे आपको इसका कोई नुकसान भी ना पहुंचे। इस वर्ष के आखिरी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहले साइंस पार्क डाइट जुखाला में विशेष प्रबंध किए गए थे, जहां पर डाइट जुखाला के स्टाफ, प्रशिक्षुओं, जुखाला कॉलेज के स्टाफ, छात्रों व क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सूर्य को लगे ग्रहण को आधुनिक यंत्रों की सहायता से देखा। डाइट जुखाला ने सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए 24 दिसंबर को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था, जिसमें यही समझाया गया था कि आप किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इसे देख सकते हैं, जिससे आपको इसका नुकसान भी न पहुँचे। जिसके बाद डाइट जुखाला ने अपने संस्थान में ये आधुनिक यंत्र उपलब्ध करवाकर लोगों को सूर्य पर लगे ग्रहण के दर्शन करवाए। डाइट जुखाला में प्रथम संस्था के सहयोग से सुबह 9 बजे से डाइट के मैदान में ये आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र स्थापित कर दिए गए थे और सुबह से ही लोग यहां पर सूर्य पर लगने वाले ग्रहण के दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। डाइट की तरफ से सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर, टेलीस्कोप और इकाई वॉचर वैज्ञानिक यंत्र स्थापित किए गए थे, जिनकी सहायता से लोगों ने सूर्य ग्रहण के दर्शन किए। डाइट के विज्ञान मित्र मोनिका ने इन यंत्रों की सभी को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि स्काई वॉचर यंत्र का इस्तेमाल आसमान में खगोलीय पिंड इत्यादि देखने के लिए इस्तेमाल होता है। सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए विशेष फिल्टर को इस यंत्र पर लगाना पड़ता है, जिसके बाद इसे आप सीधे टूर पर देख सकते हैं, परंतु अभी तक यहाँ पर इस पर लगने वाला फिल्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से स्काई वॉचर की सहायता से सीधे टूर पर सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को नहीं देख सकते। उन्होंने स्काई वॉचर से सूर्य पर लगने वाले ग्रहण की छवि को लोगों को बताया और फिल्टर के माध्यम से लोगों को इसके दर्शन करवाए। अगर सनस्पॉट देखने या सन को देखने वाला रहते हैं तो इसके लिए स्पेशल फिल्टर की जरूरत पड़ती है, तो उस फिल्टर को यहाँ पे लगाते हैं तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फिल्टर अवेलेबल नहीं, तो हम प्रोजेक्शन मेथड से देखते हैं। इसका यूज वैसे स्काई वॉचिंग के लिए किया जाता है, रात के टाइम प्लैनेट्स देखने के लिए, मून को देखने के लिए, मून देखने के लिए, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं गाँव में। तो दिन के टाइम से सनस्पॉट देखने के लिए हम इसका प्रोजेक्शन मेथड से यूज करते हैं, तो इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे अभी। तो सर हम डायरेक्टली सन को तो नहीं देख सकते ना, प्रोजेक्ट करने के लिए हमें टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इसकी वो देखते हैं, छाया देखते हैं। तो छाया देखने के लिए मैंने यहाँ पे मुस्कान को खड़ा दिया है, तो भी आप इसकी प्रोजेक्शन देख सकते हैं। प्रोजेक्शन है। अभी जैसे मेरी सीट की छाया पड़ेगी ना इसकी जगह। डाइट के प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने बताया कि डाइट में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और इससे पूर्व 24 दिसंबर को इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास स्काई वॉचर पर लगने वाला फिल्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोग स्काई वॉचर यंत्र के माध्यम से सीधे सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं कर पाए, परंतु अब इस फिल्टर को जल्द मंगवाया जा रहा है, ताकि भविष्य में जब दोबारा से सूर्य ग्रहण हो तो स्काई वॉचर यंत्र के माध्यम से लोगों को सीधे तौर पर इसे दिखाया जा सके। उन्होंने बताया कि गुरुवार को करीब 300 लोगों ने इसके दर्शन किए। लोगों को बताया गया है, इससे पहले भी हमने एक प्रयोगशाला यहाँ पर की थी सूर्य ग्रहण से पहले, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, और उसमें 150 विद्यार्थियों ने, यहाँ के जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के डाइट विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था। बिलासपुर में व पूरे देश में आज सूर्य ग्रहण चल रहा है, और ये सूर्य ग्रहण 8 बजे से लेकर 10:54 तक हिमाचल प्रदेश में, विशेष करके बिलासपुर में दिखाई देगा।
इस सूर्य ग्रहण को दिखाने के लिए हमने अपने डाइट प्रांगण जुखाला में विशेष करके साइंस सेंटर जो प्रथम के द्वारा संचालित किया जा रहा है उनके द्वारा इसको दिखाने के लिए विशेष प्रबंध किया है, जिसके तहत टेलीस्कोप तथा फिल्टर का प्रयोग किया जा रहा है। टेलीस्कोप के द्वारा इसको प्रोजेक्शन के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों को तथा स्टाफ को सूर्य ग्रहण दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है। इसमें लगभग 250 के लगभग विद्यार्थियों ने, जिसमें कॉलेज विद्यार्थी भी हैं तथा हमारे डाइट के विद्यार्थी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, डाइट फैकल्टी मेंबर्स व यहाँ पर उपस्थित हमारे सेक्शन ऑफिसर तथा कॉलेज के प्रिंसिपल्स व उनका स्टाफ, उन्होंने भी इसको देखा है। और इसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं, आज जैसे सूर्य ग्रहण था इसके लिए डाइट में विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारा जो सोलर लिप्स है इसको दिखाने के लिए हमारे जो डाइट ट्रेनी थे उनको 24 तारीख को यहाँ प्रिपरेटरी वर्कशॉप की गई थी। दो ग्रुप में उनको बांटा गया था किस प्रकार से इसको देखना है। फिल्टर और टेलीस्कोप लगाए गए थे और इसमें हमारे साथ लगता जो डिग्री कॉलेज जुखाला है वहाँ के प्रधानाचार्य, उन बच्चे भी यहाँ आए, उनको बताया गया कि किस प्रकार से जो है इस चंद्र सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, क्योंकि नंगी आंख से इसको नहीं देखा जा सकता। इसके लिए हमारी जो को पार्टनर है प्रथम संस्था, जिनके सहयोग से स्टेट साइंस सेंटर यहाँ चलाया जा रहा है, उसमें विशेष प्रबंध किए गए थे। और इसमें डाइट और कॉलेज के जो प्रतिभागी और स्टाफ, लगभग 300 लोगों ने जो है इस सूर्य ग्रहण को यहाँ देखा है।